माननीय प्रधानमंत्री जी का आज बाबा विश्वनाथ जी की नगरी और उनकी स्वयं की कर्मभूमि तो संपूर्ण भारतवर्ष है, लेकिन जहां से वह सांसद के रूप में देश को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं वहां उनका आगमन हो रहा है। मैं अपनी ओर से प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के जो कार्यक्रम हैं, चाहे वह विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ा हो, चाहे काशी और तमिल संगमम का कार्यक्रम हो, यह सब ऐतिहासिक कार्यक्रम है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में उठाया गया शानदार कदम है। मोदी जी ने देखिए, कांग्रेस सहित भाजपा विरोधी या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी विपक्ष जो चुनाव में जनता की अदालत में बार बार शिकस्त का सामना करता है, पराजय का सामना करता है, वह इस प्रकार की हरकतें करने का काम जरूर करता है जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन शायद उनको ये मालूम नहीं है कि इस प्रकार की ओछी हरकतों से उनको फायदा तो कुछ नहीं होगा लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब की बार 400 पार। और श्री राहुल गांधी जी एक हताश, निराश, उदास सेनापति की तरह जो ऐसे मामले को तूल दे रहे हैं जो मामला देश की संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और जिसकी जांच चल रही है, ऐसे जांच के विषय जब चल रहे हों और वह संसद से जुड़ा हुआ मामला हो तो यह कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा देश में गरीब कल्याण का काम क्या हो रहा है, देश के अंदर किसानों के उत्थान के लिए क्या काम हो रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या काम हो रहा है, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए क्या काम हो रहा है। उनको लगा कि जो चुनाव में मुद्दे लेकर के वह चार राज्यों में गए थे उन मुद्दों को चाहे वह छत्तीसगढ़, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान की जनता ने नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर आशीर्वाद दिया। श्री राहुल गांधी जी की, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी की या श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेसियों की गारंटी पर देश का भरोसा नहीं है, मोदी जी पर भरोसा है और मोदी जी पर विश्वास है, इसलिए देश मोदी जी के साथ। पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात करते हैं तो वह उत्तर भारत और दक्षिण भारत अलग अलग नहीं है, संपूर्ण भारत। जहाँ देखेंगे आप 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चारों तरफ आपको कमल का फूल खिला दिखाई देगा। अखिलेश, अखिलेश यादव ने नारा दिया है यूपी में 80 हराओ और कह रहे हैं कि हम 80 की 80 की। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को रात में कभी कभी सपना आया करता है और वह सपना ऐसा आता है कि जो वह जानते हैं कि असंभव बात को वो संभव करने की बात करते हैं। मैं यह जानता हूं, आप भी यह जानते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में यह अलग अलग होकर के लड़े चाहे एक साथ होकर के लड़े कोई नहीं है। 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा और निश्चित जीतेगा और बड़े अंतर से जीतेगा, ये अपनी जमानत बचाने की तैयारी करें। 22 जनवरी को रामू जी की सांस इच्छा होने की मोदी जी ने कहा है कि 40 करोड़ के जो लोग हैं उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि मोदी जी ने हर घर में राम। निश्चित तौर से देश के एक एक राम भक्त को, एक एक राष्ट्र भक्त को जिस शुभ घड़ी का इंतजार था वह 22 जनवरी 2024 वो आ गई। हम लोग इस आंदोलन के कार्यकर्ता थे, कारसेवक थे, सिपाही थे और जब हम लोग यह नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो सपा अगर की बात करूँ तो वो कहते थे हम राम भक्तों पर गोली चलाएंगे और कांग्रेस की अगर बात करूँ तो भगवान राम को ये काल्पनिक बताएंगे। लेकिन आज वह शुभ घड़ी आई है जब अयोध्या में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को वहाँ पर उसकी प्रतिष्ठा हुई, अब बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनकर के तैयार। तीन राज्यों में कठिन भीड़ के बाद प्रधानमंत्री पहली बार यूपी के दौरे पे आ रहे हैं और आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए किस तरीके से नेतृत्व? देखिए, संगठन हर प्रकार से तैयार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति इतना विश्वास है लोगों का कि लोग मोदी जी को देख रहे हैं और ईवीएम मशीन में कमल की बटन देख रहे हैं। कब वह दिन आवे, कमल का बटन दबावें, कब तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनावें, यह देश का बच्चा बच्चा कह लीजिए, चाहे वह बड़े बुजुर्ग हों, वह अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, युवा हों, वो देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं,
माताएं बहने हों, महिला सशक्तिकरण का जो ऐतिहासिक काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में पहला जो कानून बना है वह महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बना है। तो इतने बड़े बड़े काम हुए हैं जिसके जवाब में मैं कहूं कि कांग्रेस तो कहीं इर्द गिर्द नहीं है, वह तो धारा 370 वापस लाने की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में केस करवाने का काम भी किए थे, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने भी उस धारा 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया है और मैं उसका स्वागत भी करता हूं। और कोई भी तरफ आप ध्यान देंगे तो आपको चारों तरफ दिखाई देगा कि जैसे जो वादा किया है उससे ज़्यादा पूरा किया। धन्यवाद।